नमस्कार जोहार आदाब, क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा 25 लाख रुपए का इनामी विजय दा, छापेमारी में AK-47 बरामद। प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपया की मोटी लेवी नक्सलियों को संथाल परगना से पत्थर उद्योग के समेत विकास योजना से मिलता था। इतनी बड़ी राशि को छोड़कर विजय दा, सुधीर दा और प्रशांत अपने दस्ते के साथ पैदल ही 23 दिसंबर को गिरिडीह के लिए दुमका जिले के मसलिया से निकले। गिरिडीह पहुंचने पर इन हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने एक घर के पास छापेमारी किया, जहाँ से विजय दा, जिस पर 25 लाख इनाम का छोड़कर सभी पकड़े गए नक्सलियों ने गिरिडीह और दुमका पुलिस के समक्ष चौंकाने वाला खुलासा किया है। रवि व गर्मा के लिए मसानजो डैम से 8 किस्त में मिलेगी पटवन की सुविधा। रवि एवं गर्मा फसलों की खेती के लिए मसानजो डैम से किसानों को 8 किस्तों में पटवन सुविधा मुहैया होगी। डैम के बायां तट मुख्य नहर से किसानों के खेतों में पहला पानी 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक मिलेगा। इसी तरह से क्रमवार 8 किस्तों में किसानों को डैम से सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यह निर्णय सिंचाई एवं जल अवर प्रमंडल रंगालिया के कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार पाल की अध्यक्षता में सिंचाई प्रमंडल दुमका के अभियंता अमरजीत रजक, सुरेंद्र सोरेन एवं रवि रंजन के साथ हुई बैठक में लिया गया। पीएम आवास योजनाओं में कमीशन खोरी की जांच का आदेश। खबर दुमका के बासकीना से है। झारखंड के कृषि मंत्री और जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख ने जरमुंडी प्रखंड में पीएम आवास दिलाने के नाम पर बिचौलियों के माध्यम से वसूली जा रही अवैध राशि के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। रविवार को 15,000 चढ़ाए आवास का वरदान पाइए शीर्षक से जागरण में खबर छापने के बाद कृषि मंत्री सह स्थानीय विधायक बादल पत्रलेख ने मामले की जांच का आदेश जरमुंडी के BDO फुलेश्वर मुर्मू को दिया। खबर गोड्डा से, टेंडर में गड़बड़ी करने वाले दो ठेकेदारों की तलाश। बाद में पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था, जबकि राजाभीटा के धमनी गांव निवासी राजेश मंडल और पथरगावा के महेश लिट्टी गांव की निवासी विनोद कुमार महतो लगातार फरार चल रहे। पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार ने 2 दिसंबर 2019 को धोखाधड़ी, गबन और फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि चारों ने मिलकर सूरत की कंपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन के नाम पर फर्जी कागजात और फर्जी बैंक गारंटी कागजात जमा कर 51 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण योजना का टेंडर लिया था। योजना कार्य के दौरान उक्त चारों ने विभाग से 6.87 करोड़ रुपए का भुगतान भी ले लिया है। बाद में जब काम की प्रगति नहीं हुई तो विभाग ने कार्य एजेंसी यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस भेजा, तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। अवकाश के दिनों में ATM से नहीं निकलते हैं पैसे। गोड्डा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ATM से अवकाश के दिनों में ग्राहकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। यह स्थिति पिछले कई महीनों से बनी हुई है। ग्राहकों के मुताबिक अवकाश के दिनों में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की सरकारी और गैर सरकारी ATM से पैसे नहीं मिलते हैं। कभी कभी अगर एक दो ATM में पैसा रह भी गया तो लंबी कतार लगती है, जहाँ बाद में पैसा खत्म हो जाता है, जबकि ATM सेवा 24 घंटे के लिए होती है, जहाँ हमेशा पैसा की उपलब्धता रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिला मुख्यालय की ATM में भी अवकाश के दिनों में पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस लचर व्यवस्था से लोगों में बैंक प्रबंधन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। चिकित्सकों के अभाव में नहीं हो रहा है मरीजों का इलाज। खबर ठाकुरगंज से है। प्रखंड मुख्यालय स्थित हरिदेवी रेफरल अस्पताल में रविवार को चिकित्सक उपस्थित नहीं रहने कारण दर्जनों मरीज नाराज होकर वापस लौट गए। बताते चले कि इस अस्पताल में मात्र एक चिकित्सक है, जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में भी डॉक्टर राजीव राजन पदस्थापित है। इसी एक चिकित्सक के भरोसे ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र की लगभग 1 लाख की आबादी की चिकित्सा व्यवस्था निर्भर है, जबकि हरिदेवी रेफरल अस्पताल 24 घंटे का ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल है। यहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहती है, इसके बावजूद भी चिकित्सक का निराधार होना एक गंभीर समस्या खड़ी कर रही है। खबर देवघर से, जमा नहीं कराया बकाया होल्डिंग टैक्स तो फ्रीज होगा खाता। खबर देवघर से है। नगर निगम होल्डिंग टैक्स के मद में बड़े बकायेदारों के खिलाफ एक कड़ा रुख अख्तियार करने के मूड में आ गई है। निगम की ओर से लगातार ऐसे बकायेदारों को होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि का भुगतान करने के लेकर आगाह किया जा रहा है। बावजूद इसके कई बड़े बकायेदारों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है। जब विराम ऐसे बकायेदारों को नोटिस भेजकर एक निर्धारित नियम तक राशि जमा करने की हिदायत दे रही है। इसके बाद भी जमा नहीं कराने वाले बकायेदारों का बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की कार्रवाई करेगी। पिकनिक का आनंद उठाने को बेकरार सैलानी।
खबर देवघर के मधुपुर से है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से ही लोगों के बीच नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। खासकर युवाओं में पिकनिक मनाने की तैयारी बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि कई परिवार भी पिकनिक मनाने को लेकर पर्यटन स्थल का चयन कर शुरू कर देते हैं। देवघर जिले के अमूमन सभी क्षेत्रों में पर्यटन के कई मन लुभावन स्थल है। कई स्थल धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी मायने रखते हैं। ऐसे ही कई स्थान मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में है। प्रकृति की गोद में बसे होने के वजह से इन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। राय बंगला की जमीन पर विशेषज्ञ लागू। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित राय बंगला की जमीन के एक हिस्से में विशेषज्ञ लागू कर दिया गया है। नगर थाना पुलिस द्वारा SDO देवघर निदेशक कुमार यादव द्वारा जारी आदेश को रविवार को तामील किया गया है। वे आदेश किरण सिंह बनाम सौरभ शाह के बीच न्यायालय में चल रहे मामले के आलोक में दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि किरण सिंह द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया था कि उक्त जमीन पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खबर पाकुड़ से, गर्म कुंड में डुबकी लगाने को मची होड़। खबर पाकुड़ के पकुड़िया से है। प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर की ओर सिद्धपुर मौजा में प्राकृतिक प्रदत्त गर्म कुंड का झरना आस्था का आकर्षक केंद्र है। यहां धरती के गर्म से अनवरत निकलता गर्म पानी ठंड के मौसम में लोगों को राहत और सुकून पहुंचाती है। कुंड में सुबह 3 बजे से ही स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ जुटती लगती है। स्नान करने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। गर्म पानी में सल्फर पाए जाने के कारण चर्म रोग से निजात मिलती है। कुंड में सिर्फ पाकुड़िया प्रखंड के नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी स्नान के लिए पहुंचते हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए चुने गए झारखंड के 1180 स्कूली बच्चे। सबसे ज्यादा रांची से 286, 10,000 रुपए मिलेंगे। इंस्पायर अवार्ड के लिए राज्य के 1180 स्कूली बच्चे चुने गए हैं। सबसे ज्यादा रांची से 286, इसके बाद बोकारो के 166 और देवघर के 107, जबकि दुमका से कम सिर्फ 5 और साहेबगंज से 6 बच्चों का चयन हुआ है। गढ़वा, सरायकेला, खरसवा, खूंटी, पश्चिम बंगाल सिंहभूम, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़, गोड्डा, सिमडेगा और जामताड़ा का प्रदर्शन भी उखले नहीं रहा। इन जिलों में 20 से कम बच्चों का चयन हुआ है। अवार्ड के लिए भेजे गए छात्रों के मॉडल में से 1180 मॉडल चुने गए। पर जामताड़ा से है, 7 कोल्ड स्टोरेज में रखी जाएगी वैक्सीन, निर्माण शुरू। जिले में आपूर्ति होने वाली COVID-19 वैक्सीन की सुरक्षित रख रखाव और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए CS कार्यालय सहित 6 प्रमंडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोल्ड स्टोरेज की जरूरी तकनीकी से लैस किया जा रहा है, जबकि सदर अस्पताल समेत 4 स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण शुरू हो गया है। पिकनिक मनाने के लिए गुमरो पहाड़ चर्चित। फतेहपुर से 5 किलोमीटर दूर सीमा पर दुमका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित प्रसिद्ध गुमरो पहाड़ आस्था व पिकनिक मनाने के लिए बेहद चर्चित है। हर साल 1 जनवरी को काफी संख्या में लोग फतेहपुर से पिकनिक मनाने के लिए गुमरो पहाड़ पहुंचते हैं। इस पहाड़ की खासियत यह है कि बड़े बड़े चट्टानों से घिरा पहाड़ 490 फीट ऊंचा व 400 बीघा विशाल भूभाग पर फैला है। 12 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में लेंगे हिस्सा। 1 दिवसीय राज्य स्तरीय जंप रोप प्रशिक्षण शिविर झारखंड विधानसभा विधायक क्लब रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जामताड़ा के 12 प्रतिभावान जंप रोप खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। इस बात की जानकारी जामताड़ा जिला जंप रोप एसोसिएशन के सचिव नंदन सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि जामताड़ा जिले के खिलाड़ी राज्य स्तरीय जंप रोप प्रशिक्षण शिविर में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। खबर साहेबगंज से, मिर्जा चौकी स्टेशन पर करे यात्री सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। खबर साहेबगंज के मिर्जा चौकी से है। मिर्जा चौकी रेल यात्री संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने सदस्यों के साथ रविवार को रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। अध्यक्ष ने सोमवार से चलने वाले भागलपुर आजमगंज पैसेंजर के परिचालन को लेकर स्टेशन प्रबंधक से जानकारी ली। इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के गरीब रेल यात्रियों को परेशानी से निजात मिलेगा। बताया कि लोकल ट्रेनों पर परिचालन बहुत जरूरी हो गया है। मिर्जा चौकी स्टेशन पर यात्री सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने की बात अध्यक्ष ने कही। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।